आज बनाएंगे काजू की एकदम नई रसीली रेसिपी जो मजा दिलाएगी, साथ में बनाना इतना ज्यादा आसान है तो आप कहेंगे भाई जाओ और फटाफट से घर पे काजू ले आओ। काजू की ये रेसिपी इतनी ज्यादा बढ़िया है, टेस्टी है, स्वादिष्ट है कि आपसे अब इस रेसिपी को देखने के बाद शायद इंतजार ही ना हो। तो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए लगभग हमने 200 ग्राम काजू ले लिए हैं और उसे लगभग 6 घंटे के लिए हमें भिगा के रखना होगा पानी में। तो चलिए, हमने 6 घंटे के लिए इन्हें भिगा के रख दिया है, वापस आते हैं, लौटते हैं और आपको दिखाते हैं कि 6 घंटे के बाद ये काजू किस तरीके से हैं। अच्छे से ज़रूर धो लीजिएगा ताकि इसमें कुछ स्टार्च हो तो निकल जाए। तो 6 घंटे हो गए हैं अब हमारे, देख लीजिए काजू हमारे कुछ मुलायम हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं और हल्का सा ऐसे हाथ से रगड़ लीजिए ताकि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो भी निकल जाए और ये अच्छे से वॉश भी हो जाए। तो मुलायम हो चुके हैं आप देख सकते हैं, फटाफट से अब इसका पानी रिंस कर लेते हैं, एक बर्तन में इसे निकाल लेते हैं। ये जो आज काजू की रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं ये आपने खाई ज़रूर होगी हमेशा, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि ये ऐसे बनती है, इतने बढ़िया तरीके से, इतनी आसानी से बन जाती है और आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत भी नहीं, इसको खाने के लिए घर पे ही तैयार हो जाएगी। इसको फटाफट से अब हम पेस्ट बना लेते हैं इसका गाढ़ा। पेस्ट बनाने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल लें, ना चाहें तो गीला तो हो ही चुका है, मुलायम तो हो ही चुका है। फटाफट इसको ढकते हैं और मिक्सी में इसका एक पेस्ट बना के देखिए कैसे तैयार कर दिया है। अब फटाफट से चलते हैं एक कढ़ाई में, ले लेते हैं लगभग एक कटोरी चीनी और इसमें आधा कटोरी हम डालने वाले हैं पानी, चीनी से आधा पानी, थोड़ा सा पानी 60% भी कर देंगे तो चल जाएगी बात। फटाफट से इसे पिघलने दीजिए चीनी को और उसके बाद इसमें जो अभी हमने काजू पीस के रखा है उसे ले आते हैं। चीनी हमारी पिघल गई है, समय आ चुका है झटपट अब इसमें काजू मिला दे। लेकिन काजू डालने से पहले एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, एक तार की चाशनी ज़रूर तैयार हो जाए, नहीं तो काजू की आज इस रेसिपी में वो मज़ा नहीं आने वाला। तो देखिए फटाफट से चेक कर लेते हैं क्या एक तार की चाशनी, जी हाँ तैयार है। तो चलते हैं अपनी फटाफट से काजू ले आते हैं जो पीस के रखे हैं। ये रही मिक्सी का जार और ये फटाफट से काजू को बाहर निकाल लेते हैं। इसको फटाफट से निकालते इस वक्त गैस को एकदम सिम कर दीजिएगा, काजू चिपके नहीं बिल्कुल भी, वैसे चिपका नहीं भी है लेकिन आप सिम पे रखिएगा। अब फटाफट से जैसे ही सारा का सारा पेस्ट निकल जाए इसे घुमा लीजिए अच्छे से। और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट मैं इसमें और डालने वाला हूँ, वो ऑप्शनल है पूरी तरीके से, मिल्क पाउडर आधा कटोरी, ये कंपलसरी नहीं है। इस काजू की रेसिपी में थोड़ा सा मिल्की फ्लेवर देने के लिए हमने इसे डाला है, आप दूध भी डाल सकते हैं और दूध और मिल्क पाउडर दोनों इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से तैयार है, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये मिश्रण तैयार है, ये अच्छे से घुल जाएगा और एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। अब ये पेस्ट थोड़ी सी देर में जैसे ही हल्का सा चिपकना शुरू हो जाए आपको लगे या फिर पकना शुरू हो जाए, इसमें फटाफट से आप डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच छोटे देसी घी के, ताकि ये बिल्कुल भी चिपके नहीं। आप शुरू में भी डाल देंगे तो भी चलेगा देसी घी। ये देखिए कितना बढ़िया से हमने इसको डाल के मिक्स कर लेना है ताकि अब कहीं चिपके नहीं। तो आज जो हम ये तैयार कर रहे हैं ये है दोस्तों काजू की बर्फी, और ये कब तैयार होगी, जब ये अच्छे से पैन को अपने आप छोड़ने लगेगी। अभी देखिएगा आप अपने आप ये पैन से जो चिपक रही है इसे छोड़ने लगेगी, देखिए छोड़ना शुरू कर दिया, जैसे ही घी छोड़ना शुरू कर देगी यानी कि बस ये पकने वाली है, 2-4 मिनट में ही अच्छे से पक जाएगी इसके बाद। तो ये अच्छे से भून लीजिए, घुमा लीजिए, झटपट ये काजू की बर्फी तैयार कर लीजिए। कभी सोचा था घर में इतनी आसानी से काजू की कतली या फिर बर्फी बन जाती है, देखिए है ना दोस्तों बेहद ही ज़्यादा आसान। ये जैसे ही पैन छोड़ने लगे, इंटैक्ट होने लगे, आपको तब तक इसको पकाना है। ये देखिए पैन अच्छे से छोड़ने लगी है, कहीं भी नहीं चिपक रही, इसका मतलब बस 1-2 मिनट और एक काजू की कतली अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी। ये भाई वाह, काजू की कतली अच्छे से तैयार हो गई है कि नहीं इसके लिए भी हम आपको एक हिंट देंगे। आप क्या कीजिएगा, काजू की कतली में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लीजिएगा, देखिए घूमते वक्त अच्छे से बाइंडिंग कर गई है, इसका टुकड़ा आप निकालेंगे तो देखिए उसका कोई रोल पेड़ा बन के तैयार हो रहा है, इसका मतलब इसकी कतली भी आसानी से कट जाएगी, बस तभी तक आपको इसको बनाना है।
ये देखिए कितनी फाइन एकदम सुपर क्वालिटी की बनके तैयार हुई है काजू की कतली। ये देखिए कितना अच्छे से इसका जो पूरा का पूरा सामग्री है वो अच्छे से बाइंड हो रही है, अच्छे से छोड़ रही है क्योंकि अच्छे से पक चुकी है, कलर भी चेंज हो चुका है। ये देखिए इसका पेड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। हाँ बढ़िया से हो रही है कतली, इसका मतलब अच्छे से तैयार है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको बटर पेपर में निकाल लेते हैं और उसके बाद चौरस शेप में इसे कर लेंगे ताकि ये बाद में आसानी से कट सके। महज 20 से 25 मिनट में काजू कतली बनके तैयार हो चुकी है, सोचा भी नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं होगा। 200 ग्राम काजू लिए हैं और बस झटपट इसको चौरस शेप में कर लीजिए। जैसी शेप आपको पसंद हो, बर्फ़ी वाली, कतली वाली, वैसी काट लीजिए। स्वाद बढ़िया होना चाहिए, ये मेन जिम्मेदारी रहती है हमारी, और स्वाद में कोई कमी नहीं आने वाली आज। जी हाँ, क्योंकि ये है स्पेशल काजू की कतली। देखिए कितनी आसानी से हम इसे शेप दे पा रहे हैं, जितनी लंबी जितनी पतली रखनी है उतना अपने आप देख लीजिए, एडजस्टमेंट कर लीजिए और ये हो गई सारी बढ़िया सेटिंग। दोस्तों कैसी लग रही है आपको ये काजू की कतली की प्रिपरेशन, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा कोशिश करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें रोज़ रेडी करते रहें। तो ये कुछ इस शेप में है, थोड़ा सा इसे सेट होने देते हैं, ठंडा होने देते हैं, चाहे तो ऊपर से कुछ देर के लिए ढक लीजिए और ये हमारी काजू की कतली झटपट तैयार है। इसे सेट होने देते हैं 10-15 मिनट, थोड़ी देर, मैं तो सोच रहा हूँ इसे फ्रिज या फ्रीज़र में रख दूँ ताकि अच्छे से तैयार हो जाए। इस पर लगा लिया थोड़ा सा चांदी का वर्क और अब मैं रखूँगा इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में, महज 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से कट जाए। तो चलिए फ्रीज़र में रख दिया, 5 मिनट बाद वापस निकाल लिया और ये हो गई है काजू की कतली की कटिंग। काजू की कतली झटपट तैयार है, आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि कैसी बनी है काजू की कतली, और अगर अच्छी ना लगे तो बोलना मज़ा नहीं आया यार, क्योंकि मैंने आज ही खाई है, मज़ा आ गया। सच में आसान है, बनानी भी और खानी भी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो ये बढ़िया सुंदर काजू की कतली कट चुकी है, मैं दोस्तों इसे फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेता हूँ, सजा लेता हूँ, आपको दिखा लेता हूँ, पतली मोटी जैसी पसंद हो काट लीजिए। कुछ टुकड़े बड़े कर लिए हैं, कुछ छोटे, और ये हमारी काजू की कतली तैयार। मैं इसे फटाफट से खा के इंजॉय करता हूँ, आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और इसे